हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू स्विंग ट्रेड फ्रेंड्स अभी ये जो वीडियो हम बना रहे हैं ये पांच स्टॉक को हमने इस वीडियो में शामिल किया है जो कि फाइव स्टॉक को अगर हम पोर्टफोलियो में रखते हैं तो हमें आने वाले सिक्स मंथ्स में फोर्टी फाइव परसेंट तक रिटर्न मिल सकता है फ्रेंड्स ठीक है ये जो मैं भी बोल रहा हूँ ये इसका अनालिस बेस पर हम बात कर रहे हैं तो इसमें कोई मतलब गारंटी नहीं है कि फोर्टी किसी एक स्टॉक में सिक्स मंथ्स में मिल जाएगा ऐसा भी हो सकता है आपको टू मंथ्स में कुछ स्टॉक में आपका टारगेट हो सकता है और कुछ स्टॉक में आपको सिक्स मंथ या एट मंथ्स भी लग सकता है ठीक है ऐसा कोई गारंटी नहीं होता स्टॉक मार्केट में हमेशा प्रोबेबिलिटी में चलता है और रिस्क रिवार्ड रेशियो भी उसमें रहता है ठीक है फ्रेंड्स ये जो स्टॉक है ये सारे स्मॉल कैप स्टॉक है तो ये स्टॉक में कोई प्रॉब्लम हमें अभी ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा है काफ़ी सारा स्टॉक का ऑलरेडी टारगेट अचीव हो चुका है अगर आप हमारा पुराना सब्सक्राइबर है आपको तो जरूर मालूम होगा तो अगर आप पुराना सब्सक्राइबर है तो हमारा कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिए तो आपका कौन सा कौन सा स्टॉक में आपको प्रॉफिट मिला है कौन सा कौन सा स्टॉक में आपको प्रॉफिट मिला है जो कि आपका टारगेट भी अचीव हुआ है कौन सा कौन सा स्टॉक में आप जरूर कमेंट सेक्शन में लिखिए हमें जान के बहुत खुशी होगी चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं वीडियो शुरू करने से पहले आप सबको मैं जरूर रिक्वेस्ट करना चाहूँगा अगर आप इस चैनल पर नया है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को जरूर लाइक कीजिए आपका एक लाइक मेरा मोटिवेशन बिल्ड करता है एक अच्छा सा और एक स्विंग ट्रेड के लिए अच्छा सा स्टॉक देख के आपके सामने लाने की मैं जरूर कोशिश करता हूँ ठीक है फ्रेंड्स अगर आप ये प्ले बनाया हुआ है अगर आपको कोई सा भी स्टॉक के बारे में जानकारी चाहिए तो आप यहाँ से प्ले से जाके ईजिली देख सकते हैं जो कि स्विंग ट्रेड का स्टॉक से अलग सा प्लेलिस्ट है और यहाँ पे पोर्टफोलियो रिव्यू जो किया हुआ है उसका भी अलग सा प्लेलिस्ट है अगर यहाँ पे मल्टी अगर स्टॉक का भी प्लेलिस्ट है यहाँ पे जो बेसिक जिन्होंने अभी स्टॉक मार्केट में एंट्री किया है उनके लिए कुछ जो अगर चार्ट पैटर्न कैसे स्टडी करते हैं वो सारे जानकारी के लिए ये सब वीडियो आप देख सकते हैं देख के अपना ट्रेडिंग में थोड़ा सा एनालिसिस बहुत बढ़िया कर सकते हैं ओके okay फ्रेंड्स अभी चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं अभी जो पहला स्टॉक के बारे में हम बात करेंगे वेवो ग्लोबल के बारे में तो आप वही एक बात करेंगे कि आप हमेशा वही स्टॉक के बारे में क्यों बात कर रहे हैं मैं उसी स्टॉक के बारे में बात कर रहा हूँ कि जहाँ पे हमें पोटेंशियल गेन नजर आता है और जहाँ पे हमें एक अच्छा सा गेन मिल सकता है ठीक है फ्रेंड्स मैं ऐसा ही स्टॉक चुनता हूँ जैसे कि हमारा जो सब्सक्राइबर है हमारा वीडियो जो देख रहे हैं वो गलत स्टॉक में है कभी एंट्री ना ले मैं बार बार इस चीज़ का जिक्र इसीलिए कर रहा हूँ कि आप कोई गलत स्टॉक में एंट्री नहीं लेंगे और ओवर वैल्यू प्राइस वाला स्टॉक में बिल्कुल एंट्री नहीं लेंगे आप करेक्ट जो कि फेयर वैल्यूएशन में जो स्टॉक ट्रेड हो रहा है उसी स्टॉक पे ही एंट्री लेंगे और मार्केट में एक अच्छा सा गेन ले सकते हैं हम मार्केट में हम पैसे कमाने के लिए आए हैं कोई यहाँ पे हम यहाँ पे स्टॉन्ट मारने के लिए नहीं आए हैं कि मतलब खुद के अपना हाथ पैर तोड़ना है हमें ऐसा कोई बिल्कुल भी हमारा मकसद नहीं है हम सेफली यहाँ से मार्केट से कैसे अच्छा सा गेन ले सकते हैं साल में मिनिमम थर्टी परसेंट ले सकते हैं या तो फिर फोर्टी परसेंट ले सकते हैं लेके हमें ढाई साल में अपना पोर्टफोलियो डबल करना है ठीक है अगर एक लाख रुपये हम इन्वेस्टमेंट करके चलते हैं हमें ट्वेंटी ईयर्स में करोड़पति बनना है ठीक है मेरा एम वही है अगर आप वन लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करके अभी स्विंग ट्रेड में चल रहे हैं आपको ट्वेंटी इयर्स में कैसे एक करोड़ रुपए बनना है तो उसी हिसाब से हम ट्रेड करते हैं ठीक है आप उसी हिसाब से ट्रेड कीजिए थर्टी परसेंट का अगर आप लेके चलेंगे स्विंग ट्रेड में एक्सपेक्टेशन रखेंगे आप जरूर आप करोड़पति बन जाएंगे जो कि अठारह बीस साल में ठीक है एक बार खुद का एनालिसिस कर लीजिए आपको पता चल जाएगा क्योंकि अगर ढाई साल में आपका अगर पोर्टफोलियो डबल होता है अगर तीन साल में पोर्टफोलियो डबल होता है तो तीन साल में डबल होगा एक लाख दो तो आप थोड़ा सा खुद का कैलकुलेशन कर लीजिए मैंने कैलकुलेशन किया हुआ है आपको पता चल जाएगा जो कि अठारह से बीस साल में आपका पोर्टफोलियो जो है एक लाख से एक करोड़ रुपये बन सकता है अभी चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा अभी देख लीजिए जो वैभव ग्लोबल की बात हम कर रहे हैं तो यहाँ पे ये डेट फ्री कंपनी है इतना ज़्यादा डेट इसमें है ही नहीं पॉइंट वन थ्री परसेंटेज का डेट है मिड कैप स्टॉक है जो कि ग्यारह हज़ार करोड़ की मार्केट कैप है अगर हम यहाँ पे देखते हैं आर ओ सी थर्टी सिक्स का आर ओ सी है अगर हम चार क्वार्टर का लास्ट चार क्वार्टर का अगर हम प्रॉफिट देखते हैं टू सेवेंटी टू करोड़ का प्रॉफिट है लास्ट चार क्वार्टर में निकल करके आया है अगर आप यहाँ पर जाएंगे ना तो यहाँ पे आप प्रॉफिट देख लीजिए प्रॉफिट में कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे तीन सौ अठारह करोड़ का जो कि प्रॉफिट आया है अभी जो कि हाईएस्ट है ठीक है अगर यहाँ पे बैलेंस शीट में आप जाके जाके देखेंगे यहाँ पे देखिए रिजर्व हमेशा ग्रोइंग होते जा रहा है यहाँ पे दस यहाँ पे वन टेन करोड़ का रिजर्व था अभी आके नाइन थर्टी करोड़ का रिजर्व हो चुका है तो उस बेस पे बोरोइंग कुछ इतना ज़्यादा है ही नहीं बोइिंग अगर देखेंगे वन ट्वेंटी फोर करोड़ का बोइिंग है जितना तो बोइइंग है तो यहाँ पे आप अगर देख लेंगे तो इनका इन्वेस्टमेंट भी टू एटी करोड़ का इन्वेस्टमेंट है और ट्वेंटी नाइन करोड़ का तो सी डब्ल्यू आई पी में पड़ा हुआ है तो इस हिसाब से बरोइंग कुछ ज़्यादा नहीं है स्टॉक में अगर इन्वेस्टर का होल्डिंग आप देखेंगे फिफ्टी एट परसेंटेज का होल्डिंग है इन्वेस्टर का प्रमोटर का यहाँ पे अगर हम देखते हैं एफ आई का इलेवन परसेंटेज का होल्डिंग है डी आई का एटीन परसेंटेज का होल्डिंग है पब्लिक का इलेवन परसेंटेज का होल्डिंग है अगर यहाँ पे हम आज के दिन में डिलीवरी का अगर हम चेक करेंगे वेवो ग्लोबल में एन के साइड पे आ चुके हैं यहाँ पे डिलीवरी क्वांटिटी चेक करेंगे तो 86,000 क्वांटिटी थाउजेंड आज ट्रेडेड हुआ है उसमें से 47,000 क्वांटिटी डिलीवरी आज के दिन में डीमार्ट अकाउंट में उठाया गया है जो कि 55 फाइव परसेंट निकल करके आता है ठीक है ना एक बहुत बेहतरीन स्टॉक है स्टॉक में आपका पोजिशन बिल्कुल बनाना चाहिए अगर हम जाएंगे देखेंगे हमने पहले बहुत बार इस स्टॉक के बारे में चर्चा किया है अभी आपका बस में ये अपॉर्चुनिटी अभी भी बना हुआ है ठीक है इसी हिसाब से अगर आप जाके देखेंगे इस टाइम पे हमने वीडियो बनाया हुआ था अभी भी वही सपोर्ट लेवल पे चल रहा है अभी अगर आप बाय करके चलते हैं ये स्टॉक में एक अच्छा सा आपको गेन मिल सकता है इसी हिसाब से आपको एक फोर्टी एट परसेंटेज का गेन मिल सकता है स्टॉक से ठीक है ये जो टारगेट आपका रहेगा वन जीरो फोर जीरो का टारगेट रहेगा अगर आपका डिटे, डिटे, डिटेल डिटेल एनालिसिस का वीडियो देखना है आप थोड़ा सा जाके यहाँ से देख सकते हैं डिटेल एनालिसिस का वीडियो ठीक है फ्रेंड्स नहीं तो वीडियो काफ़ी यहाँ पे लेंदी हो जाएगा तो ये स्टॉक में आपका पोजीशन होना ही चाहिए अगर आपने पोजीशन बना के रखे हुए हैं तो बिल्कुल होल्ड कीजिए स्टॉक मार्केट में अगर आप पेशेंस देंगे इजीली आप स्टॉक मार्केट से अच्छा से गेन लेके चल सकते हैं मैं आपको बार बार थर्टी परसेंट की बात कर रहा हूँ फ्रेंड्स थर्टी परसेंट नहीं आपका ज़्यादा बनेगा आप खुद अगर अगर मेरे साथ में जुड़े होंगे टू मंथ्स में आपको पता चल गया होगा कि कितना स्टॉक में हमने टारगेट अचीव किया है ठीक है ये कोई मतलब ड्रामाबाजी की बात मैं बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ मैं प्रैक्टिकली बात कर रहा हूँ प्रैक्टिकली जब अकाउंट में पैसे आता है तो पता चल जाता है ठीक है ना तो उसी हिसाब से हमें बिल्कुल पेशेंस रखना है और उसी स्टॉक में एंट्री लेना है जो स्टॉक में हमें अपॉर्चुनिटी दे रहा है कोई भी भागा हुआ स्टॉक में बिल्कुल एंट्री मत लीजिए ठीक है नहीं तो गेन परसेंटेज आपका कम हो जाएगा तो फिर आप बार बार मुझे कमेंट सेक्शन में कुछ ना कुछ बोलेंगे फिर मैं आपका वही जवाब दूंगा जो कि बार बार मैं दे चुका हूँ जवाब देखिए यहाँ पे आर एस आई भी अगर आप देखेंगे ना आर एस आई आपका फेवर में है थर्टी फाइव आर एस आई में ट्रेड हो रहा है स्टॉक ठीक है तो ये स्टॉक बिल्कुल हमें एक वैल्यूएशन पे मिल रहा है इस वैल्यूएशन पे आपको इस स्टॉक को ग्राफ करना चाहिए ठीक है नेक्स्ट स्टॉक के बारे में हम आ जाते हैं अभी ये टी टुडे के बारे में हम बात करेंगे टी टुडे बिल्कुल सपोर्ट पे चल रहा है जो हमने वीडियो बनाया होता था उसी रेंज पे ही चल रहा है मैंने तो इसमें पोजिशन बना के भी बैठा हुआ हूँ काफ़ी दिन से पोजिशन बना के बैठा हुआ ऐसा नहीं है कि पोजिशन बना के बैठा हुआ हूँ इसका मतलब अगर टारगेट नहीं आया तो मैं निकल जाऊंगा ऐसा नहीं है टारगेट तक इंतजार करना ही है क्योंकि ऐसा तो काफ़ी सारा स्टॉक है मुझे वन मंथ्स में टारगेट मिला है मैं तो आपको तो बहुत बार बताया हूँ स्कॉट में मिला है मुझे प्रॉफिट इंडिया मार्ट में भी मिला है यहाँ पर अदानी टोटल गैस में मिला है इससे तो बहुत सारा स्टॉक है कैनफिन में मिला है आईसीसीएल सी में मिला है आज मैंने बताया आफेल इंडिया में मिला है बहुत सारा स्टॉक है जो कि वन वीक्स में मेरा प्रॉफिट तो आता ही मतलब हर एक हफ्ते में दो ट्रेड में मुझे प्रॉफिट आ ही जाता है ठीक है ना तो ये प्रैक्टिकली है आप भी उसी हिसाब से पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन करके रखिए आपको भी बहुत प्रॉफिट आएगा फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए 42 का आर चल रहा है तो इस हिसाब से हमें एक बहुत बढ़िया ऐसा अपॉर्चुनिटी अभी भी बना हुआ है अभी ये बिल्कुल भी भागा हुआ स्टॉक नहीं है आप पोजीशन बना के रखिए 30 परसेंट का गेन आपको मिल सकता है अगर आप जाके यहाँ से मेजर कर लेंगे ना अभी अभी करंट मार्केट प्राइस से अगर बाय करके चलते हैं आपका जो टारगेट रहेगा देख लीजिए टारगेट के लिए अगर एनालिसिस वीडियो देखते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा क्योंकि वहाँ से आप बढ़िया सा एनालिसिस करके बताया हुआ है वो वीडियो में हमारा प्ले लिस्ट में है यहाँ पे देख लीजिए थ्री सेवेंटी सेवन तक तो रख सकते हैं जो कि थर्टी वन परसेंटेज का गेन आपको स्टॉक में मिल सकता है अगर आज का दिन का हम अगर डिलीवरी जाके चेक करेंगे टी वी टूडे का देख लीजिए आज का दिन में कितना परसेंटेज का डिलीवरी उठाया गया है स्टॉक में देखिए सिक्सटी परसेंटेज का स्टॉक में डिलीवरी उठाया गया है ठीक है ना तो बहुत बेहतरीन स्टॉक एक थर्टी वन परसेंटेज का रिटर्न आपको दे रहा है आरएसआई भी फोर्टी थ्री पर अभी अवेलेबल है ऐसे ही एक मौका बनता है इसी स्टॉक में बिल्कुल एंट्री करने के लिए ठीक है नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर आ जाते हैं जो कि कावेरी शीर्ष से मैंने तो कितना बार बता चुका हूँ कि स्टॉक में बहुत बढ़िया सा अपॉर्चुनिटी अभी भी बना हुआ है फ्रेंड्स अभी भी आप बाई करके चल सकते हैं ठीक है फोर्टी का गेन आपको ईजिली मिल सकता है इस स्टॉक में ठीक तो ऐसा ही स्टॉक में आप पोजीशन बनाइए जो कि कंपनी में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा कंपनी में अगर प्रॉब्लम होगा तो उस स्टॉक को हम बिल्कुल भी एनालिसिस नहीं करेंगे हमारा इसमें देखिए आर देखिए आर ओ का आर ओ सी है डेड फ्री कंपनी है प्रोमोटर प्ले जीरो है ऑल टाइम हाई जो जो यहाँ पे देख लीजिए वन का अभी बिल्कुल फिफ्टी डिस्काउंट पर हमें स्टॉक मिल रहा है ठीक है प्रॉफिट भी अच्छा से अगर लास्ट चार क्वार्टर का प्रॉफिट देखेंगे थ्री टेन करोड़ का प्रॉफिट आया है तो इस स्टॉक में कोई प्रॉब्लम नहीं है पर प्रमोटर होल्डिंग भी देखिए कॉन्स्टेंट प्रोमोटर होल्डिंग है फिफ्टी फाइव परसेंट का प्रोमोटर के पास में होल्डिंग है एफ के पास में फिफ्टीन परसेंटेज का होल्डिंग है डी के पास में टेन परसेंटेज का होल्डिंग है तो एक बेहतरीन स्टॉक है स्टॉक में आप बिल्कुल पोजीशन बना के चल सकते हैं कोई भी प्रॉब्लम नहीं है अगर कावेरी शीर्ष का आज के दिन में हम डिलीवरी देखेंगे कि कितना परसेंटेज का डिलीवरी उठाया गया है सिक्सटी का फ्रेंड यहाँ पे डिलीवरी उठाया गया है आप देख रहे हैं कितना बेहतरीन डिलीवरी यहाँ पे उठाया गया है यहाँ पे तो शॉर्ट टर्म ट्रेडर भी बोली इससे यहाँ पे लॉन्ग टर्म ट्रेडर भी बोली से जो स्विंग ट्रेडर है हमारे जैसे आदमी यहाँ पे पोजिशन बना के चल रहे हैं ठीक है जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है वो भी पोजिशन बना के चल रहे हैं ठीक है तो आप भी पोजिशन बना के चलिए बहुत बेहतरीन अपॉर्चुनिटी आपके लिए है नेक्स्ट स्टॉक के बारे में बात करेंगे फ्रेंड्स देखिए गुड ईयर है ये स्टॉक में मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा ये स्टॉक में आज मैंने पोजीशन बनाया हूँ इसमें भी एक बहुत बेहतरीन अपॉर्चुनिटी बना हुआ है जो कि हमें थ्री मंथ्स में एक अच्छा सा गेन मिल सकता है ठीक है लेकिन मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ आप पोजीशन बना के चलिए मैं आपको इतना बता सकता हूँ ये स्टॉक में आपको बहुत इजीली आपको टारगेट अचीव हो जाएगा ये स्टॉक में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है स्टॉक में जिस हिसाब से प्रॉफिट ग्रोइंग है आर है ये स्टॉक का हमने चेक किया हुआ है तो ये स्टॉक में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है बेहतरीन आपको अपॉर्चुनिटी बन रहा है अगर आप यहाँ पे आर जाके चेक करेंगे ना तो यहाँ पे फिफ्टी पे आर चल रहा है ओवर वैल्यू भी, भी बिल्कुल भी नहीं है ठीक है और यहाँ पे अगर आप देखेंगे यहाँ पे जाके हमने तो इसका डिटेल एनालिसिस भी किया हुआ था यहाँ पे देखिए यहाँ पे डेट फ्री कंपनी है प्रोमोटर प्लेस ज़ीरो है यहाँ पर ऑल टाइम हाई जो इसका है तेरह सौ तीस है अभी हज़ार पचास पर मिल रहा है आर देखिए ट्वेंटी का आर है प्रॉफिटेबल कंपनी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है स्टॉक में टायर मैनुफैक्चरिंग कंपनी है टायर ट्यूब मैनुफैक्चरिंग कंपनी है स्टॉक में ऐसा ही पोजिशन बना के चलिए बेहतरीन आपको गेन मिल सकता है स्टॉक में अगर आज के दिन में अगर इसका डिलीवरी भी हम चेक करेंगे कितना परसेंटेज का डिलीवरी उठाया गया है आज के दिन में तो हमें पता चल जाएगा स्टॉक में ट्रेडर का क्या चल रहा है आज दिन में देखिए 61 का यहां पे डिलीवरी उठाया गया है स्टॉक में ऐसा ही अपॉर्चुनिटी बनता है हमारे लिए भी जब हर कोई यहां पे बाइंग करके चल रहे हैं जो कि स्विंग ट्रेड और लॉन्ग टर्म के लिए हमें भी बाइंग जरूर करना चाहिए क्योंकि मैं फिर से आपको बोल रहा हूँ कभी भी आप एफ और इंट्राडे का चक्कर में मत पड़िए जो भी मेरा सब्सक्राइबर है मैं आपके ऊपर इतना ही कॉन्फिडेंट दे रहा हूँ आप स्विंग ट्रेड करके अच्छा से गेन ले सकते हैं एक लाख रुपये एक करोड़ रुपये आपका बन सकता है बीस साल में इतना गारंटी मैं आपको दे रहा हूँ लेकिन स्ट्रैटेजी हमेशा फॉलो करना है जहाँ पे आपको सेलिंग करना है तो करना ही है फोमो का चक्कर में कभी भी नहीं आना है जहाँ पे हमारा टारगेट है टारगेट के पास में निकल जाना है टारगेट के पास में निकल जाना ही है स्टॉक जितना ऊपर जा रहा है जाने दो हमें कोई मतलब नहीं हमारे पास में, पड़ा हुआ में बहुत सारा अपॉर्चुनिटी है अपॉर्चुनिटी की हमने पोजीशन बना के रखा हुआ ऐसा थोड़ी है की स्टॉक खराब हो गया पोजीशन बना लिया लेकिन अभी तक तो गेन नहीं मिला वन मंथ्स में ऐसा थोड़ी है जब हमारा प्रॉफिट गेन का जो टारगेट है हमें सिक्स मंथ्स में 15 का प्रॉफिट चाहिए जहां पे हमें 6 में क्या? 2 में कभी थर्टी परसेंट का प्रॉफिट मिलता है स्टॉक में हमें बने रहना ही है अभी one month, two अगर स्टॉक चला नहीं है हमारा मन कभी अगर भटक जाए तो उसको मन को कंट्रोल करना है ठीक है क्योंकि कभी कभी ऐसा ही होता है मन भटक जाता है कभी कभी मन में आता है कि स्टॉक चला नहीं सेल कर देंगे नहीं भटकना बिल्कुल भी नहीं है भटकेंगे तो फिर फंस जाएंगे ठीक है कल एक कोई भाई बता रहा था कि मैंने इतना दिन से पोजीशन बना के रखा हुआ हूँ वो स्टॉक चल नहीं रहा है सेल कर दूँ क्या ऐसा नहीं करना है कभी कभी भी ऐसा नहीं करना है स्टॉक सेल नहीं करना है अगर बाय करके चले हैं अच्छा सा स्टॉक है तो बिल्कुल आप होल्ड कीजिए ऐसा भी हो सकता है आपने देखा होगा मार्केट में कभी कभी एक एक हफ्ते में आपका टारगेट आ जाता है दो दो तीन दिन चार दिन में आपको भी ये टारगेट आ जाता है हमारा टारगेट कितना है अगर हम सिक्स मंथ्स के लिए होल्ड करके चलते हैं हमें ट्वेंटी परसेंट ही गेन चाहिए या तो फिर किसी में थर्टी परसेंट का गेन चाहिए वो तो टारगेट दो दिन में भी कभी भी अचीव हो जाएगा ठीक है मैं बार बार क्यों ये मोटिवेशन दे रहा हूँ आपको बार बार क्यों मोटिवेट कर रहा हूँ तो आपको स्टॉक मार्केट में लॉस नहीं होगा आप मेरा सब्सक्राइबर है आपको बिल्कुल लॉस नहीं होना चाहिए ठीक है आप स्टॉक मार्केट से करोड़पति बनने आए हैं कोई मार्केट में पैसा लूज करने नहीं आए हैं इंट्राडे मत कीजिए एफ मत कीजिए आराम से गेन लेते जाइए लेते जाइए ठीक है आपको इजीली ये टोटल ये स्टॉक का आप लेके चलिए अपना पोर्टफोलियो में सिक्स मंथ्स में आपको फोर्टी परसेंट का गेन इजीली मिल सकता है फ्रेंड्स ठीक है अगर ये वीडियो से आपको कुछ सीखने मिला है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए अगर चैनल में नया है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रेंड्स ओके थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में